मैं साहब सत्य और गाजी के बोल गजानन गणेश भगवान की जय। बोल गजानन गणेश भगवान की जय। तेरी सिमरन आज के आनंद की जय। बोल भगवान परशुराम की जय। झुंझारू जी महाराज की जय। ये देखिए बालाजी की जय। देखिए हम हैं कल्याणपुरा में। जी हाँ, कल्याणपुरा थावड़ा के पास कल्याणपुरा, जहाँ पर आज लोकार्पण हो रहा है पारिक भवन का। और सभी भामाशाह और पारिक समाज के बंधुजन और हमारे वरिष्ठ जन, बाल गोपाल, युवक युवतियाँ एवं सभी यहाँ पर मौजूद हैं। और आज ये लोकार्पण का कार्यक्रम, हमें भी सौभाग्य हमारा कि हम भी सत्य प्रकाश जी, राजभाषी जी के साथ में पारिक विवाह सम्मेलन में थे, यह आए। और आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है इस नए पारिक भवन के लोकार्पण के अवसर पर। आज के कार्यक्रम में महेश नारायण जी पारिक और राजेंद्र जी बोहरा मदनलाल जी के पुत्र और प्रदीप जी पारिक सूरत से, रमावतार जी पारिक खटवाड़ी से, रमाकांत जी पारिक ऑल इंडिया पारिक महासभा के प्रदेश अध्यक्ष, सुरेश जी व्यास सभी ने मिलकर, चेन्नई से लक्ष्मी नारायण जी पारिक सभी पधारे, इन सबका हम आभार व्यक्त करते हैं। और पारिक भवन के शुभारंभ पर लोकार्पण के समारोह में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तुलसियापति रामचंद्र की जय। पारिक समाज के प्रणेता जनक श्री पराशर जी महाराज की जय। कल्याणपुरा में पारिक भवन का लोकार्पण हर्षोल्लास से संपन्न हुआ। 40 घर पारिक बंधुओं के यहाँ पर हैं और पूरे देश भर के पारिक बंधुओं के सहयोग से इस भवन का निर्माण किया गया है। निश्चित ही ये पारिक भवन ईंट गारे सीमेंट और होड़ी से नहीं बना, ये भवन बोलेगा भी। और ये भवन पूरे देश भर के पारिक समाज को दृष्टि देगा, नई दिशा दिखाएगा। ऐसा सभी पारिक बंधुओं को, ग्रामवासियों को, विशेष रूप से राम कुमार जी व्यास को और सुरेश जी व्यास को इस भव्य भवन के निर्माण के लिए तहे दिल से शुभकामनाएं। कल्याणपुरा एक छोटे से गांव पूरे भारतवर्ष में ये जाना जाएगा कि शहरों में तो कई भवन बनते हैं, लेकिन इस एक छोटे से गांव में पारिक भवन बनना बहुत ही एक उपलब्धि है। इसके पीछे जो भी कर्णधार सूत्रधार हैं वो सुरेश जी व्यास, राम कुमार जी व्यास और पूरा कल्याणपुरा के नक्कले और अपने आप में मिसाल कायम। चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, छोटे से ग्राम कल्याणपुरा के अंदर जो एक पारिक समाज का भवन बन के खड़ा हुआ, जो मात्र 1.5 साल में संकल्प लेके बनाया हुआ भवन है, ये न केवल पारिक समाज बल्कि सनातन समाज के सभी समाजों के लिए एक उदाहरण है कि एक जो संकल्प लें वो मात्र युवाओं ने और ग्रामवासियों ने मिलकर 1.5 साल के अंदर जो पूरा हुआ है। और ये सभी बच्चों के लिए, शादी के लिए, पढ़ाई के लिए एक लाइब्रेरी के रूप में काम होगा। कबूरलाल जी व्यास मेरे चाचा जी जो यहाँ रहते हैं और मेरे पिताजी मोतीलाल जी व्यास जो नांदेड़ रहते थे, अभी वो स्वर्गवास हो गया है। और मुझे मौका मिला कि इस भवन के लिए कुछ करे, स्मृति में कुछ किया है। और यह जो मेरा धर्म है, ये मेरे गांव में जो घर और बनी है, और मैं यहाँ पर जिसने भी सहयोग दिया है पूरे भारतवर्ष से, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, ताकि आप लोगों की वजह से स्थानीय लोगों को यह बहुत प्राप्त हुआ है। दृढ़ संकल्प और दृढ़ अपना निश्चय हो तो एक छोटे से गांव में भी बड़ा से बड़ा काम होता है। इसका सबसे बड़ा पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐतिहासिक उदाहरण पारिक भवन कल्याणपुरा है, जो अल्प समय के अंदर पूरा हो गया है। और हमने कोई हिंदुस्तान के अंदर हर पारिक बंधु से हमने सहयोग लिया है, जितने जितने
हमारे को जान पहचान के उनसे सबसे सहयोग लिया है। धनलाल जी गोरा के साथ में मैं फिरा था, उन्हीं की बदौलत मेरी जान पहचान हुई थी और वो जान पहचान को बरकरार रखते हुए सबसे मैंने यहाँ पे सहयोग उन्हीं बंधु से लिया है जिन्होंने मेरी जान पहचान करवाई। सुरेश जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि आपके मन में ये भावना कैसे आई कि यहाँ पे कल्याणपुर में भवन बनना चाहिए? पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसको उनमें से सभी बाकी सभी चौकवासियों में एक ही आदमी है तो हमने सोचा कि सबसे जान पहचान करवाई, जान पहचान का कम से कम फायदा तो लेवे। भदलाल जी द्वारा समाज की मेरी इतनी जान पहचान कराई तो उसका कम से कम फायदा तो अपन लेवे और वो अपने गांव में लेवे फायदा। और यह पुरानी धर्मशाला थी उसकी वजह से मैंने यहाँ बनाई और मैं 3 महीने रुका कोरोना काल में यहाँ। मेरे बच्चे की शादी थी, शादी के अंदर फिर कोरोना का काल आ गया, कोरोना काल के अंदर 3 महीने के अंदर लॉकडाउन में मैं यह रुका था और सबसे गाँव वालों से प्रेरणा लेके बातचीत करके और ये भवन बनाया है और इस भवन में कम से कम 2 कंप्यूटर लगाए ताकि यहाँ की बालिकाएं कंप्यूटर सीख सकें। बिल्कुल, कंप्यूटर 2 कंप्यूटर लगाएंगे और बालिकाओं को शिक्षा मिले, एजुकेशन मिले, इंग्लिश के अंदर टीचिंग मिले, ये हमारा आगे पूरा का पूरा प्रयास रहेगा। 2 नहीं 4 और 5 कंप्यूटर लगाएंगे और गांव में जितनी भी बच्चियां हैं और जितने भी बच्चे हैं उनको सबको यहाँ पे कंप्यूटर और इंग्लिश सिखाना चाहिए। हर आदमी इंग्लिश मीडियम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है तो यहाँ आजू बाजू के जो भी कल्याणपुरा के हैं, जो आजू बाजू के लोग हैं, इंग्लिश मीडियम और कंप्यूटर की शिक्षा अपने बच्चों को देवें, ऐसा हम सब गाँव वालों का संकल्प है। पारिक समाज की एकता को लेकर आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज हमारा पारिक समाज पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। अगर कोई भी आदमी, अगर छोटा से छोटा व्यक्ति, मैं तो एक बहुत छोटा आदमी हूँ, इतने लोग आए हैं मेरे से हजारों गुणे मतलब गुणे चौगुणे हैं, अगर छोटा आदमी इतना संकल्प लेके काम कर सकता है उसके साथ पूरा पारिक समाज खड़ा है। हमारा पूरा पारिक समाज हिंदुस्तान के अंदर पूरा एक है, कोई भी छोटा से छोटा बच्चे संकल्प लेवे तो वो पूरा पारिक समाज करता है। मैं पारिक समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चांद रहेगा कल्याणपुरा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा कल्याणपुरा तेरा नाम रहेगा। बोल परमेश्वर भगवान की जय।